खतरा है और हमारे विशेष शिक्षक समुदाय से उपस्थित हुए तमाम शिक्षक एवं दूर दराज से चल करके हमारे बीच आए हुए धावकगण और विशेष सहपाठी लोग सभी को वीडियो बन रहा है शिक्षक दिवस के यह घड़ी के उपलक्ष्य में उन सभी को मेरे तरफ से और इस कोचिंग परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन है। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस हमारे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से 5 सितंबर को उल्लास के साथ बच्चों ने मनाता है इसे कहां पर कहेगा और हर एक वर्ष एक कैमरा देखो एकदम पूरा घी नहीं मिल कर शिक्षकों के सम्मान के लिए अपनी भावनाओं को शिक्षकों के बीच रखने का प्रयास करता है। मैं ये सभी गुणों को सम्मान करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि रोशनी जो है चिराग से भी फैलाया जाता है, रोशनी चिराग से भी फैलता है। गाय भी माचिस जला दो रोशनी फैल जाएगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि वह चिराग का रोशनी ज्यादा दिन काबिल नहीं होता है। तुमको शिक्षा की वैसी रोशनी बनाना है जो भारत में तुम्हारा नाम हर जगह हो सके, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी विद्या है जिसको बांटा कभी नहीं जाता है। आपके बीच शिक्षा के ज्योति जब जल जाए आपको हर लोग आपको प्रणाम करेगा, सम्मान करेगा, आपके शरीर के अनुसार आपको आदरण नहीं किया जाएगा, आपके गुण का हमेशा सम्मान होगा और इस गुण को अभी योजना वाला घड़ी है पता है कि बच्चे जो किशोरावस्था में कर देते हैं वो पूर्ण अवस्था उसके लिए फिर साथ नहीं देता है। इसलिए अपने आपकी किशोरावस्था की घड़ी को पहचानिए। आप लोग आलू तूफान की घड़ी में है, किशोरावस्था को आलू तूफान की घड़ी कहा जाता है। इस आलू तूफान की घड़ी को पहचानो और अपने आप को यह दावा की धरती पर बनाई डालो। मैंने एक छोटी सी नगरी में और छोटे से स्थान कावा मोड़ पे मां गणेश कोचिंग में विद्या आधार कर आईएस 11-12 की शिक्षा प्राप्त कर मैंने जो मास लगाया है वह दुनिया आवा से काफी आगे है और हमेशा सतत आगे रहने का प्रयास करेंगे। और आप लोग का सहयोग उनकी संघर्ष और आपका प्रयास, उनका प्रयास आपका संघर्ष, इन दोनों का ताली पता है ना, तालियां एक हाथ में बजती है। आपको जीवन सुधारना है तो एक हाथ में
और यह नगरी आपकी बाबा को चिंता होगा। लोग कहा करते हैं, लोग कहा करते हैं कि हम छोटे से नगरी में स्वर हुए हैं। लोग कहते हैं कि हम तारा मेर पर स्वर हुए हैं। लोग कहते हैं कि हम देहात के बच्चे हैं। अरे तुम्हें खा कर देखो, तुम्हें खा कर देखो, जिस भी तमाम तरीके वहां पर आगे जो भी पद धारण किया है, बड़े बड़े तब तक रखा है, जैसे महान शिक्षाविद सब प्रजा राजस्थान को ले लो, शांति में कदम को ले लो, चंद्रशेखर आजाद को ले लो, विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं को ले लो, यहां तक इंजीनियर डॉक्टर विभिन्न पदों को धारण करने वाले व्यक्ति, मैं सभी को ले सकते देखो तो तुमको एक ही तनाव में नजर आएगा कि वे सभी लोग विलोम कर रहे हैं। तो कहां से विलोम कर रहे हैं? यह छोटे से नगर बिहार से विलोम किया है। कुछ भी काम नहीं करना है, छोटे से स्थान से किया जाता है, छोटे से मानसिकताओं से लोग प्रेरणा लेकर के बड़े बड़े मनोकामनाओं को और अपने आप के बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कच्चा कच्चा जन्म होता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। जी सर, मनुष्य पापा को भी माना चाहता है, परंतु उसको जब समय धीरे 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 बढ़ते रहता है, जब आने वाले समय में उसको पता हो जाता है कि वे हमारे पापा है, वे हमारे मामा है, उसमें हाथ डालेंगे जल जाएगा, उसमें हाथ डालेंगे नहीं जलेगा। आज आस्था की पहचान हो जाता है, बच्चा को भी दे जाता है। तो साइंस का सब्जेक्ट कोई ज्यादा खास नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा छात्राओं, यदि आपके मन में होगा कि आईएससी का सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश भारी है और सीएमएस कंप्यूटर साइंस जियोलॉजी इकोनॉमी जो भी साइंस का सब्जेक्ट है, लगता होगा कि बहुत खास है। Yes, हो रहा है कहने का मतलब है कि वह
चाचा की मानसिकता संपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, उसकी अवस्थाएं अभी पूर्ण नहीं हुआ है, युवा अवस्था नहीं हुआ है। जब युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएगा मानसिकता उसका 100% हो जाएगा। बिना कंपटीशन के नौकरी नहीं होता है। आपने प्रायोगिक परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा और संपूर्ण परीक्षा का जितने प्रकार की परीक्षाएं हैं वे सभी परीक्षाओं के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना होगा। और जिस व्यक्ति को हमेशा उठना है कि मैं पढ़ रहा है तो मुझे नौकरी लेना है, मुझे कुछ करना है, तो मैं करना चाहूंगा